नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एनईएस विधि महाविद्यालय की छात्रा निशी वासवानी ने पंचम सेमेस्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय में प्राप्त किए सर्वाधिक अंक। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर एनईएस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजरी मिश्रा ने बताया कि विगत दिनों विधि संकाय के पंचम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए हैं, जिसमें महाविद्यालय की छात्रा निशी वासवानी ने पंचम सेमेस्टर में 71% अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही है। इसी दौरान हमारी मीडिया टीम ने एनईएस विधि महाविद्यालय की छात्रा निशी वासवानी से जानकारी चाही, जिस पर उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, जिसके कारण सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, परंतु हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को पूर्ण सहयोग रहा। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके बाद सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षाएं संपन्न कराई गई, जिस कारण से हम सभी विद्यार्थियों पर कोरोना बैच का थप्पा लग चुका था, जिससे लोगों को समझ आ रहा था कि विधि विद्यार्थियों ने परीक्षा में नकल करके पास हो रहे हैं। परंतु 2 वर्षों बाद मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्णय के परिणाम स्वरूप सभी विधि विद्यार्थियों के पेपर पेन मोड के माध्यम से ऑफलाइन परीक्षाएं संपन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एनईएस विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने ऊपर लगे हुए कोरोना बैच के थप्पे को हटाया है। विधि विद्यार्थियों की इस उपलब्धि का पूरा श्रेय एनईएस विधि महाविद्यालय के शिक्षकों प्रबंधन समिति को जाता है, जिन्होंने हमेशा ही हम विधि विद्यार्थियों का सहयोग किया है। निशी वासवानी ने की उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजरी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक पी रूथ, खुशबू सिंह, स्वतंत्र जैन, आलोक तिवारी, अर्चिता तिवारी, विजया लक्ष्मी द्विवेदी, अशोक चौरसिया, चंद्रभूषण सकरगाय, पुस्तकालय प्रबंधक दीपिका गुप्ता एवं सहयोगी विधि विद्यार्थी दीपक दारिया, ज्योति गोस्वामी, शिवम साहू, अभिषेक कटारिया, अंशुल अग्रवाल, जयराज चौधरी, दिशा प्रजापति, अदनान अंसारी ने शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित की। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं एनईएस विधि महाविद्यालय में, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में केएल पांडे जी के द्वारा की गई थी। और यह इस महाविद्यालय ने हमारे विगत वर्षों में अनेकों अधिवक्ता और अनेकों जज दिए हमारे भारतीय न्यायिक सेवा में, जैसा कि यहाँ पर विगत वर्षों में वर्ष 2001 में पुष्पेंद्र कौरव जी हैं, जो कि आज हमारे वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के पद के रूप में पदस्थ हैं जो कि आज एक भारत के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। हम ऐसे ही महाविद्यालय के एक छात्रा से मिलाना चाहेंगे, जो कि कोरोना काल के दरमियान भी उन्होंने अपने एक संघर्षशील जीवन के साथ आज उन्होंने विधि संकाय के 5th सेम में अपने आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे एनईएस विधि महाविद्यालय की 5th सेमेस्टर की टॉपर से निशी वासवानी जी से। निशी जी, आप बताइए, आपने कोरोना काल में विगत कैसे पढ़ाई की और कैसे अपने संघर्षशील जीवन के साथ आपने 5th सेम में टॉप किया है? जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि कोरोना में हम लोग कोरोना बैच हैं और हम लोग को कुछ नहीं मालूम, और पास भी होते थे तो कोरोना बैच है, फ्री में नंबर मिल जाए, उसके बाद हमारी क्लासेस रेगुलर लगी। कोरोना काल में भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती थी, हमारे टीचर्स के बहुत अच्छी क्लासेस लेते थे, उसके बाद अभी हमारी बहुत अच्छी क्लासेस लगी अभी भी। फिर हमने पेपर में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ग्रुप स्टडी करी, जो कि बहुत ज़्यादा सहायक हुई हमारे लिए, और इसके दौरान पेपर में आपकी सफलता में यहाँ के एनईएस विधि महाविद्यालय के टीचर्स का कैसा सहयोग रहा, बताना चाहेंगे? टीचर्स का सहयोग सबसे ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग का कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन लेना और प्रॉपर क्लासेस लगाना, उसके बाद सिनॉप्सिस बनवा के कैसे पेपर में लिखना है सब बताना, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। तो आप मानते हैं कि आप कोरोना बैच के विद्यार्थी नहीं हैं, आपने ऑफलाइन एग्जाम में भी अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आपने टॉप किया 5th सेमेस्टर में? जी, इसके हम लोग ने जो लोग बोलते थे कि आप कोरोना बैच है, तो वो अब हट गया है। अब आप अपने जो पीछे के जो विद्यार्थी हैं, सेकंड सेम के विद्यार्थी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए,
तो उससे सब होता है। ऐसा नहीं लोग बोलते कि लॉ टफ है और सिर्फ पासिंग नंबर से ही पास होंगे तो ठीक होगा, नहीं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लोगों के अच्छे नंबर दिया। अब आगे चल के आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल एटी के मैम। विगत दिनों विधि संकाय के फिफ्थ सेम का रिजल्ट आया है, तो हमारे महाविद्यालय का कैसा प्रदर्शन रहा? आप जो आने वाले विद्यार्थी, हमारे फोर्थ सेम का रिजल्ट आने वाला है अभी और सेकंड सेम का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उन बच्चों के लिए क्या आप आशाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी आने वाला है, मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले बच्चे वालों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, 74-75% लेके आए हैं, इसके बावजूद कि कोविड के दौरान ऑनलाइन सिर्फ क्लासेज उनको मिल पाई, उसके बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि बाकी क्लासेज भी अच्छे से ही प्रदर्शन। हमारे महाविद्यालय में सबसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? टॉप किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे एमईएस महाविद्यालय की छात्रा, फिफ्थ सेमेस्टर की छात्रा निशी ने बहुत ही उत्कृष्ट नंबर से हमारे महाविद्यालय में टॉप किया है और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए, और मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि इनसे मार्गदर्शन लेते हुए आप सभी अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाएं। साथ ही मैं निशी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो आगे चलकर महाविद्यालय का नाम ही नहीं बल्कि अपना नाम और समाज में अपना एक नाम ख्याति प्राप्त कर एक बहुत ही ऊंचे पद पर विराजमान हो, ऐसी मेरी भावनाएँ हैं।